तो अब सैंडी के लिए स्टैंड लेने के लिए करण भी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने सैंडी और भम्मू का साथ दिया है। तो स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। और बात कर रहे हैं हम लखनीत कंट्रोवर्सी की। तो सैंडी का सपोर्ट करते हुए करण आए हैं अब और उन्होंने एक पोस्ट किया सैंडी के लिए, स्टे स्ट्रॉन्ग सैंडी, नाउ इट्स आउट देयर दैट यू हैव बीन थ्रू ए लॉट, हैट्स ऑफ यू, आई फील सो सैड व्हेन आई इमेज द थिंग दैट यू वेंट थ्रू, यू हैव बीन टू स्वीट एंड वेरी फॉरगिव टू पीपल एंड दिस इज यूअर ओनली फॉल्ट, पीपल हैव बीन यूज दिस अगेंस्ट यू इवन आफ्टर ऑल द प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट एस, नो वन कैन सेपरेट एस, नाउ कर्मा इज हिटिंग बैक, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज नो मैटर वट। तो ये स्टेटमेंट है करण की, उन्होंने लिखा है कि आप बहुत अच्छे हो, लोगों को माफ़ कर देते हो, इसी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और अब अपने खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो हम अलग नहीं होंगे। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कहाँ चल रही है आप लोगों को अलग करने की, हमें तो इस कॉन्ट्रोवर्सी में तो कहीं नहीं दिखी। और सैंडी के लिए भी तो देखो, लखन नीतू की तरफ से भी हमने कोई स्टेटमेंट कभी सुनी भी नहीं है कि उन्होंने सैंडी को कुछ कहा हो या इस मैटर में कुछ भी। ये चीज़ें तो स्टार्ट कहीं ना कहीं भम्मू ने ही की थी कि भम्मू ये कह रही थी कि उसके कदम शुभ है, वो वाली चीज़ शुरू हुई थी तब से नीतू और उसने, लखन ने तो इसमें कुछ इंटरफेयर ही नहीं किया। तो अब करण सैंडी के साथ साथ भम्मू का भी स्टैंड लेते हुए नज़र आए हैं और उन्होंने अपनी मम्मी के लिए भी एक पोस्ट डाली है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है अपनी मम्मी के लिए कि मुझे जब ये पता चला तो मैं पूरी रात जैसे सो ही नहीं पाया कि आप ये सब फेस कर रहे हो, इतनी मुश्किलें आपके सामने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी अपने चेहरे पे स्माइल रखते हो, बट डोंट वरी मम्मी, वी आर विद यू एंड यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड, कीप शाइनिंग, कि हम आपके साथ हैं। ये वाली स्टेटमेंट डाली है करण ने। तो भी देखो धीरे धीरे हर कोई मतलब अपनी अपनी सफाइयाँ रख रहा है, अपना अपना स्टैंड, अपना अपना पक्ष बता रहा है कि कौन क्या है, कैसे चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, देखो रावत विला इतना बड़ा है, फिर सैंडी को अपना नया फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत पड़ी कि नीतू ने अलग घर ले लिया, वो साथ नहीं रह रही। मुझे तो ये भी लग रहा है कि सैंडी भी नहीं रहेगी शादी के बाद, वो भी अभी अभी इनके साथ रह रही है क्योंकि बाबू भैया व्यू का चक्कर तो है ही। एक और है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ना नीतू लखन का ले रहे ना भाई भम्मू का ले रहे हैं। अगर सैंडी के साथ साजिश हुई है, गलत कमेंट्स है, तो देखो लखन ने भी साफ साफ बोला है कि आप साइबर क्राइम में जाओ और वहाँ पर जाकर कंप्लेन करो उन आईडियों के खिलाफ, अगर उसमें लखन का मतलब फॉल्ट निकलता है तो उसको भी मनीष करो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।